नमस्कार दोस्तों, फोर्ब्स इंडिया ने इंडिया के सबसे अमीर 100 लोगों की लिस्ट जारी की है। इन 100 लोगों में सभी बिलेनियर्स हैं। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है यह कोई नहीं जानता। चलिए, यह हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे भारत का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल कॉम्पिटिशन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो जो हैं आपको उनके नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिशन टाइम्स पर स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिचेस्ट इंडियन कौन है ये तो सभी लोग जानते हैं। वह हैं अपने मुकेश अंबानी जी, धीरूभाई अंबानी जी के बेटे, और ये हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। इनकी वर्तमान आयु 63 वर्ष है और इनकी नेट वर्थ जो है ये 88.7 बिलियन डॉलर है, और ये जो है इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और लगातार ये 13 वर्षों से इस पोजिशन पर कायम है। चलिए जानते हैं यहाँ पे दसवें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, या फिर हम ये देखेंगे ये टॉप 10 की लिस्ट में यहाँ कौन कौन है। सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर 10 पे कौन है, लक्ष्मी मित्तल, और ये जो है आरसेलर मित्तल के चेयरमैन हैं, और आरसेलर मित्तल यहाँ पे जो है ये स्टील की सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की, और इनकी आयु 70 वर्ष है, इनकी नेट वर्थ 10.3 बिलियन डॉलर है। और आगे बढ़ते हैं, ये नौवां सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भारत का, तो वो है गोदरेज फैमिली, और गोदरेज फैमिली इनकी नेट वर्थ जो है 11 बिलियन डॉलर है। वहीं बात करें आठवें पे, तो आठवें नंबर पे आते हैं उदय कोटक, और उदय कोटक जो हैं ये कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक हैं, और ये जो है इनकी आयु 61 वर्ष है और इनकी नेट वर्थ 11.3 बिलियन डॉलर है। सातवें नंबर की बात करें तो पल्लंजी मिस्त्री, और ये जो हैं सपूरजी पल्लंजी ग्रुप के ये चेयरमैन हैं, और इनकी आयु 91 वर्ष है और इनकी नेट वर्थ जो है 11.4 बिलियन डॉलर है। वहीं छठवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे साइरस पूनावाला हैं, और ये जो हैं ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन हैं, इनकी आयु 79 ईयर्स है, नेट वर्थ इनकी 11.5 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आने वाली हैं, तो इनका जो काम है ये वैक्सीन्स बनाने का है, और जो वैक्सीन्स आएंगी तो उसकी सबसे बड़े वैक्सीन के पूरे दुनिया में ये सबसे बड़े निर्माता हैं। वहीं बात करें पाँचवें नंबर पे, तो पाँचवें नंबर पे कौन है, ये है हिंदुजा ब्रदर्स, और ये जो है अशोक लीलैंड कंपनी के मालिक हैं, और यहाँ पे ये चार भाई हैं जिनकी आयु 84, 79, 74, 69 ईयर्स है, इनकी नेट वर्थ 12.8 बिलियन डॉलर है। वहीं चौथे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे हैं राधा किशन दमणी, और ये जो हैं दमणी ये अवेन्यू सुपरमार्ट्स के मालिक हैं, और अवेन्यू सुपरमार्ट्स जो है ये डी मार्ट इनका जो है ये सुपरमार्केट हैं और इसके ये मालिक हैं। इनकी जो नेटवर्थ है ये 15.4 बिलियन डॉलर है और ये इंडिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे ये HCL टेक्नोलॉजीज़, तो इसके मालिक हैं शिवनादर, और इनकी आयु वर्तमान आयु 75 ईयर्स है, इनकी नेटवर्थ 20.4 बिलियन डॉलर है, और ये भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलिए जानते हैं दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे हैं गौतम अडानी, और ये अडानी पोर्ट्स एंड SEZ कंपनी के मालिक हैं, और इनकी जो आयु है अभी 58 ईयर्स है, और ये इनकी नेट वर्थ 25.2 बिलियन डॉलर्स है। ये भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब जानते हैं भारत की जो फोर्ब्स ने टॉप 100 बिलियनियर्स की जो लिस्ट निकाली है उसमें सबसे युवा कौन है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर ये जो हैं दिव्या गोकुलनाथ, इनकी आयु 34 वर्ष है, और ये बायजूज के साथ, बायजू प्लस दिव्या गोकुलनाथ, ये बायजू की पत्नी है और बायजू जो ऐप है उसके ये मालिक हैं, और इनकी जो नेटवर्थ है ये 3.05 बिलियन डॉलर है, और ये जो है भारत की 46th वेल्दीएस्ट इंडियन है। ठीक है, वहीं बात करें कि ये जो टॉप 100 बिलियनियर्स की जो लिस्ट आई है इसमें लास्ट पे कौन है,
तो आखिरी पायदान पे कौन है? तो यहाँ पे ये आरजी चंद्रमोगन है, ये हेडसन एग्रो प्रोडक्ट्स के मालिक हैं, इनकी आयु 71 ईयर्स है, इनकी नेट वर्थ 1.33 बिलियन डॉलर है और ये इस लिस्ट में पहली बार शामिल हुए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा जो है किस कैसा लगा कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसको जो है जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें, और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।